समीक्षा अधिकारी की तैयारी कैसे करें? समीक्षा अधिकारी के लिए सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण? ऐसा नहीं है कि अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो आप समीक्षा अधिकारी हो जाएंगे या सहायक समीक्षा अधिकारी हो जाएंगे। समीक्षा अधिकारी एक पीसीएस का ओहदा होता है, एक पीसीएस का पद होता है। इसके लिए आपको मेहनत के साथ साथ एक अच्छी रणनीति की भी जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर कोई क्यों खंड शिक्षा सॉरी समीक्षा अधिकारी क्यों ना बन जाता। माने हर आदमी जो ग्रेजुएट हो, जो इसकी योग्यता को धारण करता हो, क्या वे सभी समीक्षा अधिकारी हो सकते हैं? इसका जवाब होगा नहीं। जो इनकी परीक्षाओं में, इनकी दक्षताओं में जो खरा उतरेगा, अंत में वही समीक्षा अधिकारी हो। समीक्षा अधिकारी बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण रणनीति है जिसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। हो सकता है यह रणनीति, यह तरीका आपको बेहतर लगे तो आप इस वीडियो को तब शेयर करिएगा और तभी लाइक करिएगा जब आपको लगे कि समीक्षा अधिकारी बनने के लिए क्या ये बातें आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने समीक्षा अधिकारी के सिलेबस पर वीडियो बनाया था और आपने भी देखा उसे। उसमें एक बात स्पष्ट हो गई थी कि हम प्रीलिम्स परीक्षा के साथ, प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की परीक्षाएं होनी है। तीसरा जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, वो इसमें नहीं है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, इन दो परीक्षाओं के माध्यम से आप इस परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी तैयारी के हिसाब से, आप इसकी योग्यता के हिसाब से फॉर्म तो भर लेते हैं, लेकिन उसमें सफलता पाने के लिए आपके पास एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए जिसके साथ आप इस तैयारी को और आगे बढ़ा सके, जिसके साथ इस तैयारी को और बेहतर कर सके। उन्हीं कुछ बिंदुओं पर हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला हम लोगों ने बात कर लिया था कि कुछ सिलेबस का पैटर्न ऐसा है जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के समान है, जिसमें हमने जीएस में देख लिया था और हिंदी में। जीएस और हिंदी में काफी चीजें कॉमन थी जिसे हम एक साथ तैयारी कर सकते थे। दूसरी चीज ये थी मुख्य परीक्षा के पत्र लेखन अलग था। तो जब भी हम तैयारी करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा को लेकर चलेंगे, माने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी एक साथ करेंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद मुख्य परीक्षा में आपको समय कम मिलता है। और अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो दोनों का रास्ता एनसीईआरटी से होकर जाता है। अगर एनसीईआरटी एक बार आपने कवर कर लिया, एक बार आपने पढ़ लिया, उसके नोट्स पढ़ लिए हैं, तो अब आपको ये पता हो गया क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहला काम जो करना होता है, सबसे पहला वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना होता है। प्रीवियस ईयर पेपर क्यों जरूरी होता है? अब आप लोग कहेंगे सर प्रीवियस ईयर पेपर क्यों कहा जाता है बार बार। तो जब प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है कि हमारा वीक जोन क्या है। वीक जोन का मतलब कि अगर आज हम इस परीक्षा को दे रहे होते तो हम कितने अंक अर्जित कर पाते। मतलब एक बार आपको ये पता चल जाता है कि वास्तव में हम और आप कितने पानी में है, क्या समीक्षा अधिकारी बनने की तैयारी कितनी हद तक हो चुकी, अभी तक जो हमने चाहे नोट्स पढ़े हैं, चाहे किताबें पढ़ी हैं, चाहे एनसीईआरटी पढ़ा है, उसका कितना योगदान आज के इस परीक्षा में होने जा रहा है। एक बात यहां से क्लियर हो जाएगी। तो दूसरी चीज यहीं से एक धारा और निकलेगी आपकी। मैंने अगर इस बात करें, हम प्रीवियस पेपर की अगर बात करें, तो यहाँ पर दूसरी चीजें ये निकलेंगी कि सर एक बात तो हमारी क्लियर हो गई कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या कहाँ कहाँ से पढ़ा था और कितना स्कोर हो पा रहा है, केवल करंट को छोड़ दिया जाए तो। दूसरी चीज ये हो पाएगी कि आपका वीक जोन है, क्योंकि ग्रेजुएट बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब कोई साइंस का स्टूडेंट है, बीएससी है, बीएससी में कोई बायो से है, कोई मैथ से है, और किसी का रुझान फिजिक्स की तरफ था, किसी के बॉटनी की तरफ था, उसी में आर्ट के स्टूडेंट है, लेकिन हो सकता है उसने साइकोलॉजी पढ़ी है, फिलॉसफी पढ़ी हो सकता है वो ज्योग्राफी का स्टूडेंट हो, हिंदी का स्टूडेंट हो, संस्कृत का स्टूडेंट हो, मतलब हो सकता है भाषा पढ़ा हो, बीए हो, बीएससी हो या कॉमर्स का हो। लेकिन जब वो इसकी परीक्षा की तैयारी करता है तो सभी लोग की जो पेपर होते हैं, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, बीबीए हो, बीटेक हो या कोई भी ग्रेजुएट हो, अगर समकक्ष है तो पेपर सभी के लिए समान है, सभी को पेपर एक जैसा ही मिलना है। और जब आपको ये पता है, ये स्पष्ट है कि भैया पेपर आपको सबको एक जैसा ही करना है, पेपर एक जैसा ही मिलना है, तो तैयारी को भी अब आपको करना होगा। तो अब आपको वीक जोन पता चलेगा, जैसे जो बायो के स्टूडेंट होने मैथ वीक लगेगा कि यार मैथ कैसे हो पाएगा, मैथ वाले को बायो का सेक्शन, तो कहीं ना कहीं कुछ वीक जोन होगा। तो यहाँ पर हमारा वीक जोन निकल कर आएगा कि यार ये सेशन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये सेक्शन हमसे नहीं हो पा रहा, तो अब हमें
मेहनत किस पे करना है, अगर आपने पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया, अगर आप सॉल्व करते चलेंगे तो एक चीज क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न कहां कहां से आते हैं, एक बात हो गई। दूसरी बात ये होगी कौन कौन से प्रश्न आप आसानी से कर पाते हैं, कौन कौन नहीं कर पाते हैं। तो जो आसानी से कर पा रहे हैं उस टॉपिक को रिविजन में डालना है, जो टॉपिक से आप प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं उस पर मेहनत करनी है, तो ये बातें आपके निकल पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा कि यार ये बताओ कि 100 प्रश्न 120 प्रश्न 140 प्रश्न आ रहे हैं, 140 प्रश्न में अगर हमने 20 करंट का निकाल दिया, करंट अफेयर निकाल दिया, तो लगभग 120 प्रश्न बचे, क्या 120 प्रश्नों को हम 90 मिनट में कर पा रहे हैं नहीं, तो टाइम मैनेजमेंट का भी पता चल जाएगा। और उसको बाद ये पता चलेगा भैया किताब कौन सी पढ़नी है। अभी मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें आपके मार्केट में चल रही हैं, तो अब आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ अब आपको किताबें कौन सी पढ़नी है। अब आप दूसरा सवाल यही पूछ देंगे सर हम प्रीवियस ईयर पेपर के लिए क्या पढ़े, अगर प्रीवियस ईयर पढ़ना हो तो कौन सी प्रकाशन की किताब पढ़े, तो प्रीवियस ईयर किताब जो होंगी कोई भी मार्केट से ले लेंगे, हर पेपर में 2-4 प्रश्न आपको एरर मिल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं एरर आपको मिलना तय है, चाहे किसी भी प्रकाशन की पढ़ लीजिए, 1-2, 1-2, 3-4 कहीं ना कहीं त्रुटि मिल रही है। तो ये त्रुटियां के साथ साथ एक बार जैसे आपने प्रीवियस ईयर पेपर सपोज जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर 2016 का सॉल्व किया, तो फिर दूसरी बार जब सॉल्व करिए तो प्रकाशन चेंज कर दीजिए, तो उसका जो सलूशन होता है ना वो दूसरी बार थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा, जब डिफरेंट सलूशन आपको मिलेगा, दूसरा सलूशन मिलेगा, तो आपका जो माइंड कॉन्सेप्ट जो माइंडसेट था वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वो ये क्लियर होने वाला है कि भैया जी अब आपको जो तैयारी करना था, अब जो आपको पढ़ना था, अब उसका एग्जाम्पल अलग मिल गया। कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न को पढ़े होते, जैसे मान लीजिए आपने नोट्स में कुछ पढ़ लिया दुर्गेशन के, या जो नोट्स में था कुछ अलग था, ठीक है, और पेपर का प्रश्न में कुछ अलग है, तो आपका लगता है यार कि शायद हमने गलत पढ़ा है, ये वाला सही है। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, ये 4-5 प्रश्नों को आपको ले डूबेगा परीक्षा हाल में, तो इसको भी आपको बना के रखना है। जब आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। और अगर आपने नोट्स पढ़ा, क्योंकि देखिए किताबें अलग अलग भी हैं, बहुत सारी किताबें हैं, हर किताब अपनी अपनी महत्ता होती है, लेकिन हर किताब में एरर भी होते हैं, इसलिए कोशिश ये करिएगा कि किताबों के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेगा। तो जब आप प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लेंगे 10 सेट, अगर मान लीजिए 10 सेट आपने सॉल्व कर लिए, अब इसके साथ साथ अब प्रैक्टिस सेट पर फोकस करिए। तो आप डेली जितना सेशन पढ़ते हैं, मतलब जितना थियरी तैयार करते हैं, उतना ही समय प्रैक्टिस पे भी दीजिए, मतलब 1-2 घंटा आप प्रतिदिन जीएस पे प्रैक्टिस करिए, इसका हिंदी का प्रैक्टिस करिए, भैया आधे घंटे 1 घंटे हिंदी का प्रैक्टिस करेंगे, 2 घंटा जीएस का, और 4 घंटा पढ़ने पे लगाएंगे, मैंने 4-5 घंटा थियरी पढ़ेंगे, 2 घंटा जीएस की प्रैक्टिस करेंगे, 1 घंटा हिंदी की, 8 घंटा अगर आप दे पा रहे तो समीक्षा अधिकारी आपसे दूर नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं वही देश से बाहर होते हैं। हो सकता है मैंने भी कुछ गलतियां की हूं, हो सकता है आपसे भी गलतियां हों, तो इन छोटी छोटी गलतियों अगर आप नजरअंदाज कर पाते हैं तो आप सिलेक्शन की जो संभावना है वो काफी हद तक बढ़ जाती है, सिलेक्शन की आप काफी करीब पहुंच पाते हैं। एक और बातें हैं जो आपके जहन में आती हैं, आपके मन में आती हैं, कि अब सबसे पहले अगर एनसीईआरटी पढ़ लिया तो एनसीईआरटी का हुबहू सवाल आपको परीक्षा में नहीं मिलने वाला। जैसे कुछ लोग कहेंगे सर मैंने एनसीईआरटी तो पढ़ लिया, हुबहू सवाल तो नहीं मिलते। अब देखिए कक्षा 6 के एनसीईआरटी है, कक्षा 6 का बालक तो पूरे साल पढ़ा होता है, अब उसको समीक्षा अधिकारी बनने के लिए अब तो पूरे साल तो पढ़ना नहीं है आपको, वो आप 4-5-10-12 घंटे में किताबें खत्म कर पाएंगे। लेकिन किताबों को पढ़ने के साथ साथ अब उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख लीजिएगा, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तब आपको लगेगा हाँ ये डेटा एनसीईआरटी का है, ये चित्र एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी के जो शब्द भंडार होता है, जो उसकी शब्दावली होती है, प्रश्नों का जाल होता है, वो आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा, उस जाल से आप बाहर निकल पाएंगे। और आंकड़े बहुत माने रखते हैं, समीक्षा अधिकारी बनने के लिए आंकड़े बहुत माने रखते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंकड़े का जाल है ना वो आपको पार करने में मदद मिलेगी। उसके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मार्केट में किताबें आप ले सकते हैं, या जीएस अगर आपने खुद का नोट्स बनाया तो पढ़ सकते हैं, या इलानी में दुर्गेश का भी नोट्स आप चाहें तो ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि मैं भी जब भी समय मिलता है मैं भी वहां पे पढ़ लेता हूं। और टेलीग्राम पर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर एनसीईआरटी के भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी नोट्स नहीं हो, चाह रहे हैं एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ना, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि समीक्षा अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर पर फोकस करना होगा। 3 घंटे आपको पहले प्रीवियस ईयर पेपर अगर कंप्लीट हो जाता है तो प्रैक्टिस सेट पर फोकस करिए, उसके बाद 5 घंटे थ्योरी पर फोकस करिए। थ्योरी किसकी पढ़नी है, आप थ्योरी में भी ध्यान दीजिए, जैसे जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, जो सब्जेक्ट से प्रश्न कम गलत हो रहा है उसे रिवीजन डाल दीजिए, उस पर समय कम दीजिए। जो प्रश्न जो टॉपिक लग रहा है, जैसे इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, तो ये जो टॉपिक है या जनसंख्या है जो याद करने के लिए, क्योंकि याद करने वाला टॉपिक है, उसको निकाल लीजिए, हाँ इसे किस समय आपका दिमाग शांत रहता है उसे याद करने का काम करिए। तो अगर 8 घंटे आप दे पा रहे हैं डेली के डेली,
से 5+3 और 3 को भी अगर हम कर सकते हैं 2+1, ठीक है, जो मान लीजिए जीएस को दे रहे हैं, एक दे रहे हैं आप हिंदी के लिए, और अभी प्री और मेंस को मिलाकर चलिए, जैसे ही फॉर्म भर लेते हैं केवल कुल प्री को फोकस करिए। तो इस तरह से अगर रणनीति बनाकर चलेंगे, क्योंकि पीटी होने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए मेंस के लिए समय कम मिल पाता है, और हो सकता है एक बार आप पार कर जाएं कि लक्ष्य अगली बाधा में आप फंस जाएं, तो आपको मेन्यू नहीं बनना है। इसलिए इस सब चीजों को, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। वैसे आपका क्या सुझाव है समीक्षा अधिकारी के लिए? अगर आपका कोई सुझाव है इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को सभी मित्रों को साझा करिएगा, सभी मित्रों को शेयर करिएगा, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने क्लास सिक्स की हिस्ट्री पढ़ ली, क्लास सिक्स की अगर मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, अब देखिए इस हिस्ट्री मान लीजिए 150 पेज का है, अब 150 पेज को जब मैंने पढ़ा, तो जब मैं हर पेज का, हर लेसन का अगर मैं नोट्स में लिखता गया, तो एक लेसन मान लीजिए 15 पेज का है, लेकिन जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो एक पेज में कंप्लीटली लिख रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने लिख लिया। जैसे ही मैं उस नोट्स को ऐसे देखूंगा, पूरी कहानी हमारे दिमाग में छप जाएगी, पूरी कक्षा 6 का लेसन 1 जो है मेरे दिमाग में आ जाएगा। मैंने 15 पेज को हमने एक पेज में निचोड़ लिया। तो जो नोट्स होती है उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि कम शब्दों में ज्यादा चीजें बताना। तो उसके लिए माइंड मैप कॉन्सेप्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये आप काम करिएगा। और ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे नोट्स भी उपलब्ध हैं, जहां पर एनसीईआरटी के भी नोट्स उपलब्ध हैं, आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की नोट्स पूरी उपलब्ध है हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में, कक्षा 6 से लेकर 12 तक के लिए, जहां पर आप जीएस के लिए प्रेफर कर सकते हैं, इतिहास, भूगोल, सिविक्स, और आगे चलेंगे 9, 10, 11, 12 में तो, और शास्त्र भी पढ़ने को मिल जाएगा, यह आपको मिल जाएगा। और प्रॉपर आरओ का अगर नोट चाहिए तो वो भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है, वहां पर जाकर आप पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वैसे आपको सही लगे। लेकिन मैं कहूंगा अगर आपने खुद का नोट्स बनाया तो आपके लिए बेस्ट है। जो नहीं बना पाया, जिनके पास समय कम है, उनको लगता है कि मैं कम समय में कैसे रिविजन कर पाऊं, तो इससे काफी मदद मिल जाएगी। क्योंकि इससे मदद का मतलब यह है कि हम वो टॉपिक पढ़ पाएंगे जहां से परीक्षा में एकदम सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, तो ये आप सभी के लिए काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस तरह से पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मैं कल से, मतलब कल का मतलब क्या, मैं सोमवार से आपके लिए 9:00 से ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर समीक्षा अधिकारी की जीएस की सीरीज लेकर आ रहा हूँ। जीएस जीके की सीरीज होगी, साथ में 4 दिन हम लोग जीएस जीके पढ़ेंगे, 4 डे इसमें, और 2 दिन इसमें हिंदी का सेशन पढ़ेंगे, और संडे के दिन ऑफ रहेगा। संडे के दिन हम आपसे बात कर पाएंगे कि 6 दिनों हमने क्या पढ़ा और क्या कमी रह गई, आगे क्या करना है। ये फाउंडेशन क्लास होगी मेरी, ये निःशुल्क क्लास होगी आप सभी के लिए, देश हित में, राष्ट्रहित में। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी के लिए चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर पढ़े, क्योंकि देखिए मेहनत आपको करनी है, बेस्ट आपको देना है। ऐसा नहीं मेरे पास कोई जादू की छड़ी मैंने घुमा दिया और आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सीरीज आपके लिए ला रहा हूँ, ये निःशुल्क सीरीज होगी और आप सभी के लिए होगी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ सवाल आएंगे, वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम सुनी बातों को, लेक्चर्स को हमारा दिमाग जल्दी याद कर पाता है। हो सकता है मेरे लेक्चर्स आपके लिए काफी मददगार हो सके, तो आप वीडियो को शेयर करिएगा। सोमवार से 9:00 जीएसजी के, 4 दिन जीएसजी के, 2 दिन हिंदी की सीरीज के साथ हम लोग आपके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है आप साथ दे पाएंगे तो आपका स्वागत है। मिलते हैं 9:00 से ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर, मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास होगी, गेस्ट के रूप में, इस चैनल पर मैं गेस्ट के रूप में, मुझे जब भी समय मिलता है मैं आपके लिए सेशन लेकर आता रहता हूँ। आपके साथ हमारी भी तैयारी होगी, हमारे साथ आपकी तैयारी होगी, क्योंकि अभी की बार एक से ठमार का सपना तभी पूरा होगा जब आप बेहतर और बेस्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।